सोशल मीडिया पर इन दिनों यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री जितिन प्रसाद अपनी उंगली से सीसी रोड खोदते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उनका ये वीडियो खूब वायरल हो गया है। दरअसल मामला ये है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक विधायक की शिकायत पर पहुंचे यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने अपनी उंगली से सीसी रोड खोद डाली। ये नजारा देख अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि ये सड़क हाल ही में 34 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मंत्री की इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पीछे भैया, भैया 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 सामने सटी है भाई। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद कानपुर के सर्किट हाउस में योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे, तभी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने एक सड़क निर्माण को लेकर शिकायत की। इस पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी कहासुनी भी हो गई। विधायक की शिकायत पर मंत्री ने मौके पर जाकर निरीक्षण कर फैसला किया। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद अपने काफिले के साथ भाटिया तिराहे से पनकी मंदिर तक बनी सीसी रोड पर पहुंच गए। यहां जब उन्होंने सड़क को अपनी उंगली से कुरेद कर देखा तो उनके होश उड़ गए। सीसी रोड से मिट्टी निकलने लगी। इसके बाद मंत्री का पारा चढ़ गया। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को तत्काल ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिशासी अभियंता के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की संस्तुति की है। मंत्री के इस औचक निरीक्षण का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मंत्री ने सिर्फ एक ही स्थान पर नहीं बल्कि कई स्थानों पर सड़क का निरीक्षण किया। जितिन प्रसाद ने मामले की पूरी जांच कर रिपोर्ट उन्हें पेश करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।